हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहां हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 के हमारा भारत का पाठ 7, भारत के समुद्री तट। तनु ने नारियल पानी पीते हुए अनु से पूछा, ये नारियल दिल्ली में कहां से आते हैं और यहां तो कहीं नारियल के पेड़ दिखाई नहीं देते। अनु बोली, पिछले साल सर्दियों की छुट्टियों में हम लोग दक्षिण भारत घूमने गए थे। हम त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी कई जगह पर गए थे, वहाँ नारियल के बहुत सारे पेड़ थे। ये नारियल वहीं से आए होंगे। एक मज़े की बात और कि दिसंबर जनवरी के महीने में भी वहाँ सर्दी बिल्कुल भी नहीं थी। हमारे देश के दक्षिण में हिंद महासागर है, इसका नाम हमारे देश के नाम हिंदुस्तान से ही पड़ा है। भारत का दक्षिणी भूभाग प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीप का अर्थ है स्थल का वह भाग जिसके तीन तरफ पानी या समुद्र हो। भारत के इस दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग के चौपाटी या जुहू बीच का नाम सुना होगा। आओ देखें ये कैसे बनते हैं। समुद्र की ऊंची और लंबी लहरें तट से दूर तक चली आती हैं। इन लहरों के साथ बालू, सीपियां, छोटे छोटे शंख आदि भी आते हैं। लहरें वापस लौट जाती हैं, किंतु बालू और अन्य पदार्थ किनारे जमा हो जाता है। इस तरह समुद्र तट पर बालू का मैदान बन जाता है, इसे पुलिन या बीच कहते हैं। जब तक समुद्र तट पर घूमने जाते हैं तो इन बीचों पुलिनों पर खूब मस्ती करते हैं। आप देख सकते हैं यह पुलिन का एक चित्र है। कहीं कहीं समुद्र के किनारे मैदान जैसे ना होकर दीवार की तरह खड़े होते हैं। समुद्री लहरें इनसे टकराती हैं। इसी तरह तटीय भागों में कहीं कहीं समुद्र का जल स्थल में इस तरह अंदर तक चला जाता है कि यहाँ जहाँ तीन तरफ के स्थल होता है केवल एक और समुद्री जल होता है, इसे खाड़ी कहते हैं। जैसे खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। आप भारत के मानचित्र में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की स्थिति देख सकते हैं। भारत के दो द्वीपीय राज्य देखेंगे, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ये राज्य वास्तव में द्वीपों के समूह हैं। द्वीप उस छोटे स्थल क्षेत्र को कहते हैं जो चारों तरफ से समुद्र से घिरे होते हैं। समुद्र तट और जलवायु। अनु ने बताया था कि त्रिवेंद्रम में दिसंबर जनवरी में भी ठंड नहीं थी, जबकि दिल्ली में इन महीनों में कड़ाके की सर्दी पड़ती है और गर्मियों में झुलसता हुआ मौसम रहता है। ऐसा क्यों होता है? समुद्र तट से लगे स्थानों पर मौसम बहुत ठंडा या बहुत गर्म नहीं होने पाता। पूरे वर्ष मौसम सुहावना बना रहता है, इसका कारण भी समुद्र ही है। दिन में समुद्र से भूभाग की ओर चलने वाली हवाएं किनारे वाले भागों को ठंडा रखती हैं। भारत के तटीय भागों पर वर्षा भी अधिक होती है, क्योंकि महासागरों का जल भी गर्म होकर भाप के रूप में ऊपर उठता है और बादल बनकर वर्षा कर देता है। पश्चिमी तट। भारत का पश्चिमी तट गुजरात से केरल तक फैला हुआ है। यदि हम गुजरात से दक्षिण की ओर चलें तो गुजरात के बाद महाराष्ट्र आएगा। गुजरात में कच्छ की खाड़ी में कांडला बंदरगाह है। महाराष्ट्र के तटीय भाग पर प्रसिद्ध शहर मुंबई है। यह इस राज्य की राजधानी होने के साथ साथ प्रसिद्ध बंदरगाह भी है। तुमने इसका नाम फिल्मों के लिए भी सुना होगा। महाराष्ट्र के बाद गोवा और फिर कर्नाटक है। गोवा अपने तटों की खूबसूरती और प्राचीन गिरजाघर पर्यटकों के लिए मशहूर है। वहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं। गोवा से दक्षिण में कर्नाटक और केरल है। कर्नाटक में मंगलो बंदरगाह है। केरल का पूरा पश्चिमी भाग ही तटवर्ती है। केरल में साल भर थोड़ी बहुत वर्षा होती रहती है, इसलिए यहाँ के किसानों को खेत में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। केरल के कोची बंदरगाह है। भारत का पूरा पश्चिमी तट अरब सागर के साथ संकरी पट्टी के रूप में है, क्योंकि इस तट के साथ साथ पश्चिमी घाट पर्वत हैं। इन पर्वतों के कारण इस तट पर खूब वर्षा होती है। समुद्री तट अधिकतर मछली पकड़ने के काम आसान होता है, इसलिए इनको मुख्य भोजन मछली चावल होता है। यहाँ धान की फसल तैयार होती है, पर त्यौहार मनाते हैं जैसे पोंगल कहते हैं। केरल में यहाँ के तटवर्ती क्षेत्रों में लोग नौका दौड़ आयोजित करते हैं। इसी पश्चिमी तट पर चलते चलते आप कन्याकुमारी पहुँच जाएंगे। यह स्थान भारत में एकदम दक्षिण में है। इस स्थान पर तीनों समुद्र मिलते हैं। कन्याकुमारी में सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बहुत सुंदर और मनोहारी लगता है। आप देख पाएंगे ऊपर कन्याकुमारी का एक दृश्य है। अब हम भारत के पूर्वी तट की यात्रा करते हैं। पूर्वी तट के बारे में हम जानते हैं। कन्याकुमारी से उत्तर की ओर जाते हुए हमें सबसे पहले तमिलनाडु से गुजरना होगा।
कन्याकुमारी भी तमिलनाडु राज्य में ही पड़ता है। तमिलनाडु से उत्तर की ओर जाते हुए क्रमशः आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के समुद्री तट आते हैं। इन सभी राज्यों को तटीय मैदान बहुत चौड़ा है। अब आप देखेंगे हम मैंग्रोव वन के बारे में हम जानते हैं। इस डेल्टाई भाग में घने जंगल हैं जिसमें जो पेड़ों की जड़ें पानी के ऊपर तक होती हैं, जिसे मैंग्रोव वन कहते हैं। डेल्टा का भाग समुद्र के अंदर तक है। यह वन असंख्य जीव जंतुओं से भरा पड़ा है। विश्व प्रसिद्ध बंगाल टाइगर यही रहते हैं। बंदरगाह समुद्र तट पर वह स्थान है जहाँ समुद्री जहाज जाते और आते हैं। यही से जहाजों पर माल लादा और उतारा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत से कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदियाँ निकलती हैं। ये पूर्वी तटीय मैदानों से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। लेकिन समुद्र में गिरने से पहले ये अपने साथ लाई हुई मिट्टी, बालू आदि तटों पर छोड़ देती हैं। इसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा बहुत उपजाऊ मैदान होते हैं। इन मैदानों में धान की खेती की जाती है। पश्चिम बंगाल में धान के साथ साथ जूट की भी खेती की जाती है। जूट से रस्सियां, बोरे, दरियां आदि बनाए जाते हैं। पश्चिमी तट की तरह पूर्वी तट पर भी कई बंदरगाह हैं। सबसे दक्षिण में तुतिकोरिन है। उत्तर की ओर बढ़ते हुए विशाखापत्तनम, पारादीप और कोलकाता है। पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में संसार का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, इस डेल्टा को गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बनाया है। समुद्री तट से लाभ। भारत के पास लंबा समुद्री तट है। इससे देश को बहुत से लाभ हैं। तटों पर रहने वाले लोग समुद्र से मछली पकड़कर जीवन यापन करते हैं, जिससे किनारे होने वाले नारियल के पेड़ों से चटाई और अन्य हस्तकला की वस्तुएं बनाई जाती हैं। हम नमक के बगैर खाना नहीं खा सकते। यह नमक समुद्र के पानी से ही बनता है। समुद्र के जल पर तट पर क्यारियों से एकत्रित करके सुखा लिया जाता है। मशीनों की सहायता से साफ करके प्रयोग में लाने योग्य नमक तैयार हो जाता है। समुद्र तटों पर स्थित बंदरगाहों के द्वारा ही हमारा देश अन्य देशों से व्यापार कर पाता है। आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही हम इन बंदरगाहों से व्यापार करते आ रहे हैं। समुद्र तट के सुंदर दृश्यों और अच्छी जलवायु के कारण देश विदेश से घूमने के लिए यहाँ लोग आते हैं। इससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। समुद्र की लहरें समुद्र के अंदर से सीपियाँ, शंखों आदि को तट पर छोड़ देती है, जिसे तरह तरह के सजावटी और उपयोग की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिन्हें पर्यटक खरीदते हैं। समुद्र तट होने के कारण भारत में वर्षा भी काफ़ी हो जाती है। इस तरह समुद्र का जो भाग है, समुद्री तट, भारत के लिए वरदान की तरह है।